हाँ प्यारे बच्चों, ये आपके लिए 10 चीज़ें एक ही पेज के ऊपर आज करवाने की कोशिश की जाएगी। आपसे भी छोटे बच्चे, किसी 5th क्लास के बच्चों ने इसको तैयार किया है। 10 चीज़ का ये चार्ट है, और ये चार्ट भी लिंक भी आपके पास भेज दिया जाएगा इसका, चार्ट का वीडियो के वहाँ पर सब लिंक होगा इसका। आप एक ही पेज पे इस चार्ट को प्रिंट कर सकते हैं, और अपने घर में अलग अलग जगह पे इसको चिपका सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। और ये चार्ट टेंसिस का है। देखो बेटा, टेंसिस नहीं आते जो हमें बहुत सी चीज़ें हमारी रह जाती हैं, एक्टिविटी वाइज, नरेशंस एंड मैनी अदर थिंग्स टू लैक। और बहुत कई बार बच्चों को बहुत तो महसूस होता है कि हमें टेंस नहीं आता, हमको संस्करण भी नहीं मिला पाते। जो एक ही पेज पे कंपैरिजन में आप याद कर सकते हैं टेंस को। ये पूरा जो है, ये जो लाइन है, ये पूरी इधर पास्ट टेंसेस की है अलग अलग, ये जो पूरा लाइन है ये इधर प्रेजेंट टेंस का है पूरा, ये फ्यूचर टेंस का है। एक ही वाक्य को एक छोटे से 5th के बच्चे ने बनाया, मैं आपको बता ही रहा हूँ। जैसे मैंने गाना गाया, ठीक है, आई सैंग सॉन्ग, क्या मैंने गाया, गाना गाया, डिड आई सैंग सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ, क्या मैं गाना गाता हूँ, ये पूरा इंग्लिश विधि से दिया हुआ है, इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। मैं गाना गाऊंगा, फ्यूचर इंडेफिनेट, क्या मैं गाना गाऊंगा, ओके, इंग्लिश विधि ये नीचे आप देखें इसका। इसी को फिर आगे जाते हैं तो सब्जेक्ट बदल के पास्ट इंडेफिनेट टेंस में ही सब्जेक्ट बदल के दिया हुआ है। वह फुटबॉल खेला, ही प्लेड फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेला, डिड ही प्ले फुटबॉल। अब प्रेजेंट डेफिनेट में वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है, डज ही प्ले फुटबॉल। अब फ्यूचर इंडेफिनेट में वह फुटबॉल खेलेगा, ही विल प्ले फुटबॉल। अगला है, क्या वह फुटबॉल खेलेगा, विल ही प्ले फुटबॉल। तुमने खाना खाया, यू एट फूड, क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, तुम खाना खाते हो, यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो, डू यू ईट फूड, तुम खाना खाओगे, यू विल ईट फूड, क्या तुम खाना खाओगे, विल यू ईट फूड। हेल्पिंग वर्ब सेल विल पहले आ जाती है, ये फ्यूचर का है, इंडेफिनेट ही चल रहे हैं तीनों। वे स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल, क्या वे स्कूल गए, डिड दे गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू स्कूल। अब फ्यूचर के अंदर फ्यूचर इंडेफिनेट में वे स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाएंगे, विल शुरू में आ जाएगा इसमें, विल दे गो टू स्कूल। अब हम टेंसेस के पास्ट के इन सभी के कंटिन्यूस पार्ट पढ़ते हैं। ये पूरा जो बॉक्स है ये कंटिन्यूस का है, और ये लेफ्ट टू राइट ये पूरा कंटिन्यूस है। दिस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड लास्ट में ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, ठीक है। ध्यान से आप देखें कि इनमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। रहा सब में है, रहा था, और ये रहा हूँ या हूँगा, ना रहा हूँ, रहे हैं, ये बहुवचन पे डिपेंड है, इसमें है कहीं पर, इसमें था, रहा और था है, इसमें रहा और गा होगा, ये याद रखना फ्यूचर में, थोड़ा पहचानने की कोशिश करें आप। मैं गाना गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग इस सॉन्ग, क्या मैं गाना गा रहा था, इतना ही अंतर है, वाज पहले आ जाएगा इसमें बस। अबे मैं गाना गा रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम सिंगिंग इस सॉन्ग, क्या मैं गाना गा रहा हूँ, तो इसमें एम पहले आ जाएगा, एम आई सिंगिंग इस सॉन्ग। फ्यूचर कंटिन्यूअस में मैं गाना गा रहा हूँगा उस समय, आई शैल बी सिंगिंग सॉन्ग, शैल बी सिंगिंग, तो इसमें क्या मैं गाना गा रहा हूँगा, तो शैल आई बी, शैल शुरू में आ जाएगा बस, सेल बीच में छट के फर्स्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट के पहले। अब ये इन्होंने क्या है, प्रोनाउंस चेंज कर दिए बस, और कुछ नहीं है। पास्ट कंटिन्यूस प्रोनाउंस चेंज कर दिए, वह फुटबॉल खेल रहा था, ये वाज प्लेइंग फुटबॉल, इसका क्वेश्चन मार्क बना दिया, वाज ही। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ गया, वह फुटबॉल खेल रहा है, ही इज प्लेइंग है, क्वेश्चन मार्क में इज शुरू में आ जाएगा, इज ही प्लेइंग। फिर यहाँ पर जाएंगे आप फ्यूचर कंटिन्यूस में, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, इसमें क्या है, विल पहले आ जाएगा, विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल। ऐसे एक प्रोनाउन का और उदाहरण दिया हुआ है, तुम खाना खा रहे थे, यू वर ईटिंग फूड, वे स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल, इसमें क्या, हेल्पिंग वर्ब वर पहले आ जाएगी क्वेश्चन मार्क में। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में, यू आर ईटिंग फूड, तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग, इसमें आर पहले आ जाएगा, क्या तुम खाना खा रहे हो, आर यू ईटिंग फूड, ध्यान से देखें थोड़ा सा।
और इसमें तुम खाना खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग फूड। आप वीडियो को पास करके भी आराम से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे वीडियो को पास करके पढ़े आराम से। तुम खाना खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग, क्या तुम खाना खा रहे होगे, विल यू, ये शुरू में आ जाएगा। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज, वर, आई एन जी है इधर, ठीक है। फिर हम आते हैं परफेक्ट टेंसेस पे, पास्ट का परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट, लास्ट में फ्यूचर का परफेक्ट। अंतर क्या है ध्यान से देखिए, सभी के अंदर थर्ड फॉर्म है, इसमें भी थर्ड फॉर्म है सभी में, और इसमें भी थर्ड फॉर्म है सभी के अंदर, हेल्पिंग वर्ब का अंतर है। पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड है, प्रेजेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है, और इसमें फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, विल हैव है। ओके, शैल हैव, विल हैव के साथ थर्ड, हैज़ हैव के साथ थर्ड, हैड के साथ थर्ड, ठीक है। इसमें चुका है, कोई काम पूरा हो चुका है, पास्ट में चुका था, यहाँ पर चुका है और चुका होगा। ओके, ये याद करना है आपको सिर्फ। आप वीडियो को पास करके सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं गाना गा चुका था, आई हैड संग ए सॉन्ग, क्या मैं गाना गा चुका था, हैड शुरू में लगा दिया। ऐसे ही अब मैं गाना गा चुका हूँ, आई हैव, ये कम्बिनेशन याद करना आपको। प्रोनाउंस के साथ कौन सा कम्बिनेशन लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर, क्योंकि इसमें हैज है, ठीक है। यू हैव, आई हैव, दे हैव, बाकी सभी के साथ हैज है, बाकी सभी प्रोनाउंस के साथ। इसमें ऐसा है देखो, इसमें सेल है, विल हैव, आई, आई वी के साथ सेल है, और यू बच गया, वो थर्ड पर्सन बच गया, ही सी इट नेम जो है उनके साथ विल हैव, इस थर्ड फॉर्म सभी में है परफेक्ट में। और अब आ जाते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो परफेक्ट के बाद कंटिन्यूस आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें उसमें यही अंतर है कि वहाँ से नहीं लगा, यहाँ पे से है, कोई टाइम निश्चित दिया होगा तो सिंस, और कोई टाइम निश्चित नहीं दिया हुआ, संख्या सी दी हुई है, जैसे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे से कोई कर रहा है तो आपको 4 लगाना है, निश्चित टाइम है तो सिंस लगाना है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस पास का हैड बीन, आई एन जी, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट का हैव बीन या हैज़ बीन, कम्बिनेशन प्रोनाउंस का परफेक्ट वाला ही है सेम, कम्बिनेशन प्रोनाउंस का वही है ऊपर वाला, हैव बीन, हैज़ बीन है इसमें और आई एन जी, सभी परफेक्ट कंटिन्यूस में आई एन जी लगता है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में इनसे जो ऊपर वाले परफेक्ट थे ना उन्हीं में से आगे क्या है, थर्ड फॉर्म हटा दिया है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म थी वहाँ पर आई एन जी वाली वर्ब लगाइए, क्योंकि गाइस ध्यान रखना है, बाकी कम्बिनेशन वही है, आई के साथ वहाँ पे सेल हैव था तो यहाँ पे सेल हैव बीन और आई एन जी, यू के साथ और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव बीन, आई एन जी, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लें इसको, मैं रात से गाना गा रहा हूँ, आई हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, आई हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस नाइट। अब क्या मैं रात से, तो हैड शुरू में आ जाएगा, बाकी हैड शुरू में आने के बाद हैड आई बीन सेम हैड शुरू में आएगा, बस पर्सन से पहले ये हमारी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी। इसमें भी ऐसे ही है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी क्वेश्चन मार्क में। थोड़ा आप इसको वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़ें, मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ, आई हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस, सॉन्ग नहीं लिखा हुआ इसमें, बच्चे हैं वो जिन्होंने बनाया। क्या मैं सुबह से गाना गा रहा था, हैव आई बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ध्यान दें आप, 3 बजे से यहाँ दिया हुआ है तो सिंस लगेगा, 3 बजे से सिंस लगेगा, एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, और 4 घंटे 5 घंटे अवधि दी है तो 4 लगा है। इसको बिल्कुल पॉज करके करें, और इसका ये चार्ट का पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, घर में चिपका ले कहीं भी, इसको आज ही ख़त्म कर दें, बारी बारी से इसको आगे तक ना रखें, क्योंकि सारा हमारी ग्रामर इसी पे डिपेंड है गाइस। होप आपको समझ में आया होगा, इसको अच्छी तरह पढ़ें आप रोक रोक कर, ठीक है, समझ में आ जाएगा फिर आपको। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर द 10th।